सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो क्यूए मैनुअल क्यूएस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है आई थिंक। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटोमेशन इन दी एक्सेल मैक्रोस। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा मैक्रोस का, कि मैक्रोस कैसे यूज़ करते हैं। मैं बता दूं कि अगर कुछ मैक्रोस मेनली अदर शीट से डेटा कॉपी करने के लिए, अदर कोई किसी एक फाइल में बार बार, मतलब हम लोगों को कभी होता है ना कि बार बार हमें कोई चीज़ फॉर्मेटिंग बार बार करनी पड़ रही है, एक्सेल शीट्स में बार बार फॉर्मेटिंग्स करना पड़ती है सेम टाइप की। अगर हमें मल्टीपल 4 से 5 एक्सेल फाइल्स हैं हमारे पास और उसमें सेम टाइप की फॉर्मेटिंग्स करना है, तो उसके लिए हमें मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। और हम सिंगल क्लिक में हम लोग जो है मैक्रो का यूज़ करके वो सेम फॉर्मेटिंग उन 50 फाइलों के अंदर हम लोग कर सकते हैं। लाइक समटाइम हमें क्यूए को 50 फाइल्स फॉर्मेट करनी पड़ती है, या अगर ज़्यादा फाइल्स फॉर्मेट करती है मैनुअल क्यूए एज है, तो हम लोग मैक्रो का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो मैक्रो का यूज करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा पहले कि सबसे पहले एक्सेल शीट आपके पास होगी। एक्सेल, ये एक्सेल शीट मेरे पास है, तो एक्सेल में आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल शीट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ इस एक्सेल शीट में मैक्रोज करने के लिए आपको पहले मैक्रो इनेबल करना होता है, और मैक्रो इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है फाइल्स में जाके ऑप्शंस में जाना पड़ता है, और ऑप्शंस में जाके आपको कस्टमाइज रिबिन, यहाँ पे ये डेवलपर ऑप्शन जो है ये डिजेबल होता है, इसको चेक कर दो और ओके कर दोगे तो ये यहाँ पे जो डेवलपर है ना ये आ जाएगा, ये वाला मेन्यू सब मेन्यू आ जाएगा इसमें। उसके बाद ही हम लोग जो है मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रो का यूज़ कैसे करना है, लाइक अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरे टेस्ट केस में या मेरी फॉर्मेटिंग जिस फाइल में मुझे फॉर्मेट करना है वो फाइल कुछ इस टाइप की है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट थीम और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग अगर मुझे करनी है उसमें, जैसे कि मान के चलो ये फाइल से राइट, तो इसमें अगर मुझे इस टाइप की फाइल है मेरे पास, और मुझे मेरे पास 50 फाइल्स हैं जिसमें मुझे हर बार जाके नेम को बोल्ड करना पड़ता है, नेम को कोई कलर देना पड़ता है राइट, मान लो, और टेस्ट ऑब्जेक्टिव या सेकंड फील्ड को मुझे जाके कोई दूसरा कलर देना पड़ता है, इस टाइप का कोई भी फॉर्मेटिंग का काम या मुझे करना होता है, या मुझे इटैलिक करना हो इसको राइट, तो ये सारे काम अगर मुझे करना है बार 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 10 से 12 फाइल में करना है, तो इसकी बजाय मैं एक सिंपल शॉर्टकट यूज़ कर लूँ मैक्रो का। मैक्रो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने भी रिसेंटली सीखा है। तो आप मैक्रो का यूज़ करके आप एक्सेल फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बल्क में आपको एक्सेल फाइल्स करना है। तो उसके लिए आपको फर्स्टली डेवलपर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, और यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन इनेबल रहेगा। इस रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शंस को आपको जाके क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूछेगा मैक्रो का कोई नाम देना है आपको, तो आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे कौन सी वर्कबुक में करना है, इसी वर्कबुक में करना है तो दूसरी कोई वर्कबुक में करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मैं अभी करेंट वर्कबुक सिलेक्ट कर रखी है मुझे राइट, तो मैं इसको ओके जैसे ही करता हूँ मेरा देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डर चालू हो गया है, मतलब मैं अब जो भी एक्शन करूंगा वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। मान के चलो मैं अगर नेम फील्ड पे या ऐसी फर्स्ट वाली फील्ड पे जाके मैंने कलर किया इसको, मुझे हर बार अगर मुझे कलर देना था मैंने ऑरेंज कलर दिया इसको, टेस्ट ऑब्जेक्टिव को मुझे बैकग्राउंड कलर देना होता है तो मैंने ब्लू कलर दिया। अगर ऐसा काम, ये दो मैंने काम किया और मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ राइट। ये काम अगर मुझे 50 फाइल में करना है तो मेरा मैक्रो ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा, मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, मेरा मैक्रो बन चुका है। अब क्या हुआ कि मेरा मैक्रो बन गया, अब मैक्रो बनने के बाद जो है मुझे ये अब मुझे मेरी एक अगली फाइल, एक और मैं एक्सेल फाइल लेता हूँ। मान के चलो कि अगर मैं एक और एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ राइट, इस वाली एक्सेल फाइल में भी मुझे सेम ऑपरेशन करवाना है। मान लो इसी टाइप का डेटा है उस एक्सेल में, उसी टाइप के डेटा पे मुझे काम करवाना है राइट, तो ऐसी सेम फाइल है मेरे पास और इसमें वही मुझे कलर वाला और फॉर्मेटिंग करवाना है, तो बार बार मैं मैन्युअली जाऊंगा तो अगर ऐसी 50 या 30 फाइलें हुई तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसकी बजाय मैं क्या करूँगा कि मैक्रो इनेबल कर लूँगा इसमें। कैसे इनेबल करूँगा मैक्रो, तो अभी हमने इस शीट में जो मैक्रो बनाया था वो मैक्रो हमें कहाँ मिलेगा, जब आप क्लिक करोगे व्यू मैक्रोस तो ये वो मैक्रो आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मैक्रो 3 हमारा था, तो मैक्रो 3 हमें यहाँ मिलेगा। तो उस मैक्रो को जाके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ विजुअल बेसिक्स लिखा है, आपको कुछ ज़्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऐसा मैक्रो हमारा बन के आ गया।
राइट। तो ये TC1 through 3 में हमने मैक्रो बनाया था, उस मैक्रो को यहाँ से एक्सेस करते हैं, उसका कोड ये देखो, ये सारा कोड कलर कोड जो है यहाँ आ जाता है विजुअल बेसिक्स में, हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड प्लेबैक है, अगर इसको VBA और विजुअल बेसिक आता है वो इसको यूज कर सकता है, कोडिंग चेंज कर सकता है, जनरल कोडिंग ही है, कलर कोड अगर बाद में बदलना है। लेकिन अभी मुझे ऐसा है कि अभी मुझे इस TC 1 to 3 में मैंने कलर कोडिंग किया था, अब यही वन कोडिंग जो है मुझे इस वाली नई फाइल में करना है। तो नई फाइल में क्या करूंगा, जैसे ही आप फाइल ओपन करते हैं एक्सेल शीट वो यहाँ इस VBA वाले में आ जाती है। तो ये मॉड्यूल में हमारा कोड होता है, इस कोड को सीधा का सीधा उठा के ऊपर वाली एक्सेल में कॉपी मार दो आप, तो आप देखोगे ये मॉड्यूल वाले यहाँ कॉपी हो गया। अब इस चीज का इम्पैक्ट जो है सीधा यहाँ आपकी शीट में ही पड़ता है। जब आप शीट को जाके देखोगे डेवलपर ऑप्शन, ये नई वाली शीट है जिसमें मैंने मैक्रो नहीं बनाया, उसमें अगर मैक्रो में जाके देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा कि ये मैक्रो यहाँ है, TC 1 to 3 का मैक्रो यहाँ दिख जाएगा। इस मैक्रो को जब आप रन करोगे, राइट, इस मैक्रो को रन करोगे तो देखो आप, आपने देखा कि कलर कोड हो गया इस वाली फाइल में, न्यू वाली एक्सेल फाइल में मेरा कलर कोड हो गया और मेरा इटैलिक हो गया जो मैंने उस वाली फाइल में किया था, राइट। उस दूसरी वाली फाइल में जैसा मैंने किया था वो वाला बी कॉलम पे मेरा हो गया, राइट। तो इस तरह का कलर कोडिंग और फाइल जो है मेरा इस दूसरी वाली फाइल में भी हो गया। सेम वे अगर मैं कोई तीसरी फाइल लूंगा, राइट, आप सोच रहे होंगे ये कलर नहीं आया, तो वो भी शायद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दबाया था उस टाइम कलर करते टाइम। तो अगर मैं ऐसी तीसरी फाइल लेता हूँ, मान के चलो ऐसी मेरी तीसरी एक और फाइल है, राइट, मुझे मान के चलो एक और तीसरी वाली फाइल है ऐसी, उसमें भी अगर 50 तरह की फॉर्मेटिंग है करना है, राइट। अब तीसरी वाली फाइल ओपन करता हूँ, तीसरी वाली फाइल में भी कुछ डेटा है, मान के चलो ABC, ऐसा सारा डेटा तीसरी वाली फाइल के अंदर भी है। अब तीसरी वाली फाइल के अंदर भी क्या मैं जाके करूँगा, नहीं, मुझे जाके बस तीसरी मेरी एक्सेल शीट देखो यहाँ खुल के आ गई है, मुझे बस ये मॉड्यूल 1 वापस से कॉपी उठाना है और पहली वाली शीट के यहाँ रख देना है, तो ये मेरा मैक्रो यहाँ इस वाली शीट में भी आ जाता है, राइट। सो सेकंड वाली शीट जो है ये दूसरी वाली, इसमें भी मेरा मैक्रो आ गया। अब मैं यहाँ जाके देखूंगा तो मुझे मैक्रो में वो दिखेगा, ये देखो, तो मुझे दिखेगा कि ये न्यू मैक्रो शीट फॉर्मेटिंग में ये वाला मैक्रो 3 मुझे आया। ये मैक्रो 3 को आप जैसे ही रन करोगे देखो इसमें भी वही फॉर्मेटिंग लग गया। इन शॉर्ट मेरा बताने का बेसिक मतलब ये है कि आप अगर मल्टीपल टाइम फॉर्मेटिंग, अगर 50 फील्ड्स पे फॉर्मेटिंग है बार बार करनी पड़ रही है, तो आप इससे इजी है कि एक मैक्रो बना लो, QA के लिए इजी है, मैक्रो बना लो, उस मैक्रो का इस्तेमाल कर लो। आप इस मैक्रो के थ्रू आप कॉपी भी करवा सकते हो दूसरी फाइल से, बट थोड़ा सा और ट्रिकी पार्ट है, बट ये जनरल पार्ट जो है हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट, ताकि बार बार अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हमें बोलता है कि फॉर्मेटिंग करना है, या बार बार कोई चीज़ में हमें बार बार फॉर्मेटिंग करना है, या WSR भेजना, वीकली रिपोर्ट भेजना में यही होता है, तो हम इसके थ्रू हम लोग ये इजीली कर सकते हैं। सो आई थिंक होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा, सो गुड, मैंने भी सीखा, अच्छा है, आप भी सीखेंगे तो QA के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, डेटा एंट्री वाले काम ईजी हो जाएंगे।